हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया ने अपने न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सारमैट को किया है टेस्ट फायर। टेस्ट फायर इसे किया गया था प्लेसेत्स्क से, जो है नॉर्थ वेस्ट रशिया में। इसका टारगेट था 6000 किलोमीटर दूर, जो था कमचटका पेनिनसुला में, और इस मिसाइल ने उसे सक्सेसफुली मार गिराया और इस मिसाइल ने अपने टारगेट को एकदम सक्सेसफुली ध्वस्त कर दिया। इस पूरे टेस्ट में इस मिसाइल ने एक डमी वॉरहेड को कैरी किया 6000 किलोमीटर दूर, जो एक असली वॉरहेड के जितना ही भारी भरकम होता है वजन में। अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो वो ये है कि इसे डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के देश में घुस के उसके टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर जाए। इस मिसाइल को फायर करने के तुरंत बाद ही बहुत थोड़ी देर के लिए इसे ट्रैक किया जा सकता है। अगर उस बहुत थोड़े से टाइम फ्रेम में इसे ट्रैक किया गया तो ही इसे पकड़ना पॉसिबल है, और अगर नहीं किया गया तो उसके बाद इस मिसाइल को पकड़ना नामुमकिन है कोई भी रेडार या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। व्लादिमीर पुतिन जी का दिल गदगद हो उठा इस पूरे सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट में, और उन्होंने कहा, हमारे दुश्मन हमला करने से पहले एक बार रुक के सोचेंगे ज़रूर। और ये वीडियो आप सबको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने अपनी मिलिट्री और पूरे रशिया को संबोधित करते हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं। Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।